सड़क को लेकर जो है वो सियासत तेज है, 3 रुपये डीजल बढ़ चुका है, इससे जो है वो आम लोगों को के जीवन पर भी असर पड़ेगा। आपने जैसे स्टेटमेंट दिया कि सर ये डीनोटिफाई किया था इसकी वजह से, तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार इसमें अभी नहीं? देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को ठगा है और वो ठग सरकार थी। ठग कैसे थी? 75 साल में जो संस्थान, चाहे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, राइट फ्रॉम यशवंत सिंह परमार जी, रामलाल जी, श्री वीरभद्र सिंह जी, शांता कुमार जी, धूमल जी, सबने संस्थानों को मजबूत किया। और 4 साल तक जयराम ठाकुर जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे, 4.25 साल तक, 4.5 साल। और चुनावों से पहले उनमें पता नहीं कहां से देवीय शक्ति आई कि उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए, SDM ऑफिस, एक्सएन ऑफिस, बिजली के, इलेक्ट्रिकल के ऑफिस, कोई बजट ही नहीं था। अगर कहीं बजट है, हमने कहा कि राज्य के गवर्नर के अभिभाषण पर बताइए, झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए बैट भी कम कर दिया, और बैट कम करके हिमाचल प्रदेश सरकार पर कर्जा लेने का इतना अधिक बोझ डाल दिया कि आज हमारे पास जो कर्जे की सीमा, उसको बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हमें तो अभी 1 महीना हुआ चुनाव जीतने के लिए, इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, चुनाव जीतने के लिए बैट भी कम किया और 900 संस्थान भी खोले, अपने रेवड़ियां बांटी। लेकिन आज हालत यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। इस सरकार ने लोगों को ठगा है। ये जो पिछली 5 साल की सरकार थी, ये ठग सरकार थी, लोगों को झूठ बोलती रही, और ठग सरकार का इनको उपाधि मिलनी चाहिए। सर पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस से एक ही मंत्री बनाया है और कांग्रेस से भेदभाव जो है कांग्रेस सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कांगड़ा, शिमला सब एक है। सिर्फ विकास के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हम विकास क्या करेंगे। और जो ये बातें करते हैं वो क्षेत्रवाद की राजनीति को कहकर अपनी जो करनी है उनको छुपा रही है ये पिछली ठग।